नमस्कार दोस्तों, और आज के सुनने हम करने जा रहे हैं कोडैक के 50 इंच टीवी 7X प्रो का फुल ऑन रिव्यू। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों यहां पे हम करेंगे दो टीवी का गिव अवे। तो इस टीवी के बारे में दोस्तों सब कुछ जानेंगे कि क्या है इसमें अच्छी बातें, क्या है प्रो, क्या है कॉन्स। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों यहां पे आप में से दो लकी विनर्स को मिलेगा ये टीवी। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये वीडियो को देखते रहना है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेक की बात, कैडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, एंड सबसे पहले तो गिव अवे मैं बता देता हूं कि आपको दो 42 इंचेस के कोडैक के टीवी मिलेंगे। एंड आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे बताना है, मतलब देखो वीडियो पूरा देखना, उसके बाद कमेंट्स में बताना है कि इस टीवी के बारे में आपको क्या चीज़ें हैं, क्या जो फीचर्स हैं वो बढ़िया लगी, एंड उसी के साथ साथ आप इसे क्यों जीतना चाहते हैं, ठीक है? तो कमेंट्स में दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा। वैसे अभी आपको मैं दोस्तों जो टीवी हम रिव्यू कर रहे हैं 50 इंच वाला 4K HDR, और उसके बारे में बताता हूँ। एंड सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊंगा कि बहुत ही छोटा सा एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट सा रिव्यू रखेंगे। एंड यहाँ पे अगर मैं डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो आपको जो बेजल्स है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले तो हमें टीवी का बेजल्स देखते हैं, राइट? तो जो बेजल्स है दोस्तों वो काफ़ी कम दिए गए हैं इस टीवी में। एंड उसी के साथ साथ आपको ज़्यादा कोई लाउड ब्रांडिंग नहीं है, बस नीचे एक छोटा सा कोडैक लिखा हुआ है। उनके उसी के साथ साथ जो तीन साइड्स की बेजल्स हैं वो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी सही है। अब बैक पैनल में दोस्तों आपको जो टीवी का है वो प्लास्टिक बैक मिलता है। एंड आई वुड से कि अगर आप वॉल माउंट कर रहे हो या फिर अगर आप टेबल टॉप भी रख रहे हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं पोर्ट्स वगैरह के बारे में बात करूँ तो आपको दो USB पोर्ट मिलते हैं एंड तीन HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें एक जो पोर्ट है दोस्तों वो आर्क HDMI आर्क है, जिससे आप साउंड वगैरह जो उनको कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको टीवी के नीचे ईथरनेट पोर्ट मिल जाएगा, ऑप्टिकल पोर्ट मिल जाएगा, एंड उसके अलावा दोस्तों आपको ऑडियो कोएक्सियल जो पॉइंट्स होते हैं वो मिलते हैं। तो पोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं आएगी। वैसे अगर आप इसे जो वॉल माउंट है अगर वो कर रहे हैं, एंड वॉल माउंटिंग इस मतलब अगर आपके ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है वॉल माउंट से लेकर के टीवी पे, तब दोस्तों आपको यहाँ पे एक्सटेंडर्स लगाने पड़ेंगे, जिससे कि आप HDMI या फिर USB जो है उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसे टेबल के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी, यू कैन ईजिली रीच द पोर्ट्स। बट उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सटेंडर्स लगाने पड़ेंगे, या फिर वो जो स्विवल माउंट होता है जिससे कि टीवी थोड़ा आगे आ जाता है, लेफ्ट राइट चला जाता है, तो वो भी दोस्तों आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब उसके अलावा दोस्तों अगर मैं वेट के बारे में बताऊँ तो वेट टीवी का इतना ज़्यादा नहीं है, एंड इसके लिए आपको कोई हाई एंड एक्सपेंसिव माउंट की भी ज़रूरत नहीं लगेगी अगर आप सिविल वगैरह में जाते हैं। एंड बेसिकली दोस्तों आपको टीवी के साथ साथ माउंट भी मिल जाता है, जिससे आप नॉर्मली अगर माउंट करा रहे हैं तो आप इन्हें सर्विस इंजीनियर से माउंट करा सकते हैं। तो डिज़ाइन वाइज आई वुड से कि जो प्राइसिंग आप दे रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपको काफ़ी डिसेंट जो डिज़ाइन है वो देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी के बारे में। तो आपको यहाँ पे 50 इंचेस का 4K HDR पैनल मिलता है, एंड द पैनल यहाँ पे दोस्तों आपको 500 निट ब्राइटनेस के साथ मिल जाती है, एंड 50,000:1 का यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो है, एंड ऑफ कोर्स 60Hz का यहाँ पे आपको रिफ्रेश रेट वाला पैनल मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड है टीवी में अभी के लिए। तो अब उसमें दोस्तों अगर मैं कलर्स वगैरह के बारे में बताऊँ तो कलर्स काफ़ी डिसेंट है, एंड व्यूविंग एंगल्स अगर आप एक लिविंग रूम के लिए देख रहे हो या फिर अगर आप एक छोटे से बेडरूम के लिए देख रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीकर्स दोस्तों यहाँ पे आपको 24W के मिलते हैं, एंड 24W स्पीकर काफ़ी है एक जैसे लिविंग रूम के लिए या फिर आपके बेडरूम वगैरह के लिए। एंड अगर आप इसको शॉमीज वगैरह से कंपेयर करो तो वहाँ पे आपको 20W के स्पीकर्स मिलते हैं, बट आपको रियलमी में और थॉमसन में 24W के स्पीकर मिलते हैं। तो 24W के स्पीकर्स काफ़ी सही हैं, एंड अगर आपको इतनी ज़्यादा पार्टी वगैरह नहीं करनी है एक रूम के लिए या फिर एक लिविंग रूम के लिए चाहिए तो स्पीकर्स काफ़ी सही हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको YouTube में 4K HDR का सपोर्ट मिल जाता है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे आप प्राइम वीडियोस वगैरह भी चला सकते हो। आपको डेडिकेटेड बटन्स भी मिलते हैं इसके रिमोट में, जिसके बारे में आगे जा करके बात करूँगा। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे आपको जो स्मार्ट कंटेंट है वो ईजिली भी देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों चीज़ है कि आपको 8GB का जो इंटरनल स्टोरेज है वो मिलता है, 2GB का रैम है, एंड उसके साथ क्वाड कोर का प्रोसेसर है। तो टीवी वगैरह के लिए जो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में प्रोसेसर एंड रैम ऑफ कोर्स मैटर करते हैं, बट दोस्तों उसमें आप हाई एंड गेम्स वगैरह नहीं खेलोगे, राइट? तो जो एप्स वगैरह है वो इजीली लॉन्च हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप एक ऐप से दूसरे ऐप में भी जा रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ओवरऑल दोस्तों जो स्मार्ट टीवी है वो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह हैंडल करता है विद द इंटरनल प्रोसेसर। तो आप वीडियो देख लो,
ऑडियो देख लो या फिर अगर आप इंटरफेस देख लो तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, देखो प्राइस पॉइंट देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ और डिस्काउंट वगैरह में, ये आराम से 26-27 हज़ार का मिल जाता है। तो 26-27 हज़ार में एक स्मार्ट 50-inch टीवी आपको जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में मिल रहा है, मैं उसी के हिसाब से इस टीवी को जो है रिव्यू कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रिमोट के बारे में। तो इस बार रिमोट इन्होंने काफ़ी स्लीक डिज़ाइन करके बनाया है, वो बड़े सारे रिमोट नहीं है, आपको नॉमिनल बटन्स मिलते हैं जिससे आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ दोस्तों आपको 3 HDMI के ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे आप आराम से अपने एक्सबॉक्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हो, टीवी कनेक्ट कर सकते हो, एक ऑडियो आर्क जो आउटपुट होता है वो भी दोस्तों यहाँ पे HDMI के थ्रू कनेक्ट कर पाओगे। आपको डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं प्राइम वीडियोज़ वगैरह जैसे, तो वो भी दोस्तों आप डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हो। तो ओवरऑल रिमोट मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपको गूगल असिस्टेंट का बटन मिलता है जिससे कि आप असिस्टेंट के थ्रू कुछ भी लॉन्च कर सकते हो, अपने स्मार्ट होम डिवाइसेस को भी यहां पे कनेक्ट कर पाएंगे। एंड एंड्रॉइड 9 दोस्तों यहाँ पे आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। ऑफकोर्स रिसेंटली अगर अपडेट वगैरह आते हैं तो आपको एंड्रॉइड 10 का अपग्रेड भी यहाँ पे मिल जाएगा। कब मिलेगा दोस्तों इसके बारे में अभी तक कोई हमें क्लैरिटी नहीं है, बट ऑफकोर्स अपडेट वगैरह आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा इस टीवी का फुल ऑन रिव्यू। एंड इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पे आई वुड से कि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में ये काफ़ी डिसेंट ऑप्शन है जिसको आप अमेजोन से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। एंड आपको दोस्तों डायरेक्ट बाय लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, लेकिन दो विनर्स को दोस्तों 42-inch के जो टीवी है वो मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके घर में डिलीवर होंगे। आपको बस ये बताना है कि आपको ये टीवी क्यों अच्छा लगा है, एंड उसी के साथ साथ दोस्तों आपको ये बताना है कि ये टीवी आप क्यों जीतना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या अच्छा लगा और क्यों जीतना चाहते हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दो रैंडम विनर्स को दोस्तों ये टीवी मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में डिलीवर करके जाएंगे, एंड आई होप मे द बेस्ट पर्सन विन। इसके अलावा दोस्तों इस टीवी के बारे में अगर आप और कुछ ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं कि भाई कैसा है क्या है, अगर कुछ मिस हो गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के इतना रखना, अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।